सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, अभिनंदन है आज के इस विशेष कार्यक्रम स्वामी न्यूज़ के योग व स्वास्थ्य में। आज हम 371वें इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे प्रतिदिन के प्राणायामों के द्वारा, थोड़ी सी कुछ प्राण क्रियाओं के द्वारा, हम अपने फेफड़ों को और अपने हृदय, अपने हार्ट को, लंग्स को और हार्ट को, दोनों को मजबूत कैसे बनाएं, ये हम अभी जानना चाह रहे हैं। और उन प्राणायामों को करते समय में क्या क्या बातें कुछ विशेष ध्यान रखनी चाहिए, किस उम्र के लोग क्या क्या बातें विशेष ध्यान रखें, वह भी आपको अभी बताएंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम परमात्मा का स्मरण करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में मंगलवार, आज विशेष कार्यक्रम में आपका सबका स्वागत है। आज हम जान रहे हैं फेफड़ों के लिए और हार्ट के लिए मजबूती अगर हमें करनी है, उनको मजबूत करना है, क्योंकि आप देखो जिसको देखो फेफड़े श्रिंक हो रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो हॉस्पिटल में जाते हैं जिनके लिए डॉक्टर कहते हैं कि इसके फेफड़े कमज़ोर हैं, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसको सांस पूरी भरने की समस्या आ रही है, इसीलिए इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। कुछ ऑपरेशन में भी ऐसा होता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आदि, और उसके अलावा फेफड़ों की कमजोरी होती है, तो फेफड़ों की कमजोरी में ऑपरेशन भी नहीं होते हैं। और ऑपरेशन तो छोड़ो, सामान्य रूप से व्यक्ति जब चलता फिरता है ना, उस समय में भी उस व्यक्ति को दिक्कत आती है, सांसें फूल जाती है, हाँफ जाता है व्यक्ति। थोड़ा सा काम किया, घर का एक चक्कर लगा लिया और हाँफ गया, थोड़ा सा काम किया, थोड़े से बर्तन धो लिए, हाँफ गया, थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया और हाफ गया या हाफ गई, ऐसी स्थिति हो गई है फेफड़ों की कि व्यक्ति की क्षमता ही कम हो गई। तो इन सारी स्थितियों से कैसे हम पार निकलें, कैसे इनको हराएं, इन खराब स्थितियों को कैसे हम हरा सकते हैं, वो प्राण रूपी वज्र से हरा सकते हैं। तो फेफड़ों की और मजबूती और एक हार्ट की मजबूती, फेफड़ों की मजबूती और हार्ट की मजबूती जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट अगर मजबूत है तो हम 100 साल तक अपने इस जीवन को जी सकते हैं और 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस बात पर शोध किया, रिसर्च किया कि हमारा एक एक अंग अगर हम ठीक ढंग से रखें तो 400 वर्ष तक हम इस जीवन को जी सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 400 नहीं तो 100 साल तो ठीक ठाक जी लें, इसमें तो गड़बड़ नहीं करें। तो आज हम सबसे पहला जो प्राणायाम करेंगे, भरेंगे श्वास को, वो भरेंगे प्राण मुद्रा के साथ में। प्राण मुद्रा का मतलब होता है ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली और पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व, जल और पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है और यह जल, तो जल और पृथ्वी से हमारे प्राण सबल बनते हैं। इन दोनों को अग्नि तत्व के मुख्य ऊपर के भाग से हमें लगा देना चाहिए, पहली और दूसरी वायु और आकाश वाली उंगली को सीधा रखना चाहिए। तो इन दोनों को जब जोड़ कर रखा जाता है तो इसको हम प्राण मुद्रा कहते हैं। इसी प्रकार से इस हाथ में भी इनको रख करके अपने घुटनों पर सीधा होकर बैठ जाएं और सांस को गहरा भरना है और गहरा लंबा ही श्वास को बाहर छोड़ना है। आंखें बंद कर लीजिए यदि आपको समझ में आ गया। 2.5 से 3 सेकंड में आप श्वास को अंदर भर रहे हैं, 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को अंदर से बाहर छोड़ दें। प्रत्येक श्वास को भरते समय यह विचार करते हुए चलें कि मेरे भीतर मैं शुद्ध प्राण वायु को भर करके और अच्छे आरोग्य को प्राप्त कर रहा हूँ। परमात्मा द्वारा दिए हुए विशेष प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व जो इस वायुमंडल में विलीन है, घुले हुए हैं, वे सारे मेरे भीतर जाकर मुझे
अच्छा, स्वस्थ, निरोगी, बलवान बना रहे हैं। और जब बाहर छोड़ते हैं श्वास को, उस समय हमें यही विचार करता है कि हमारे अंदर के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितनी दुर्बलताएं हैं, जितनी कमजोरियां हैं, जितने रोग हैं, जितने दुरित हैं, जितने दुष्ट विचार हैं, वे मेरे बाहर निकलते हुए श्वास के साथ बाहर छूटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से मैं प्रत्येक क्षण स्वस्थ, आरोग्यवान, बलवान और पवित्र होता चला जा रहा हूँ। इस प्राण मुद्रा को लगा करके इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इस प्राण मुद्रा को लगा करके हम भस्त्रिका प्राणायाम को धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों के साथ करते रहे। लंबे लंबे श्वास भरते चले जाएं ऐसे। पहले दिन 10-15 श्वासों को ही भरें और छोड़ें, जिससे कि आप प्रारंभिक रूप से आपका आपके लंग्स तैयार हो जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे लंग्स जो हैं अच्छे श्वास भरने योग्य अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। फिर हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, जिस प्राणायाम का नाम होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम से जो पहले की क्रिया होती है, जिसको हम प्री वर्कआउट ऑफ नाड़ी शोधन कहते हैं, उससे पहले की जो क्रिया होती है वो सबसे सरल होती है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक समझ सकते हैं, कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। प्री वर्कआउट ऑफ नाड़ी शोधन प्रैक्टिसेस प्रैक्टिस अनुलोम विलोम, इसको वैसे तो प्राणायाम भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि प्राण क्रियाओं से जुड़ी हुई है, और कुछ ग्रंथों में इसको प्राणायाम नहीं भी कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक क्रिया है, इसीलिए हम सबको करनी चाहिए। कैसे की जाएगी वह देख लीजिए। एक बार नासिका मुद्रा को ऐसे लगा सकते हैं, दो उंगलियां ऐसे प्रारंभ वाली यूं दबा दी और दो उंगलियां ये वाली सीधी हैं। अंगूठे और इनका सहयोग करके हमें इस प्राणायाम को करना। जो लोग इसको नहीं कर सकते हैं वो वैसे भी कर सकते हैं, या वैसे कर सकते हैं इन तीन उंगलियों को अंदर करके। लेकिन जो कर सकते हैं इस नासा मुद्रा के अभ्यास से करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राइट नोस्ट्रिल को आप क्लोज कर दीजिए, दाई नासिका को आप बंद कर दीजिए, और लेफ्ट वाली बाई, इसको हाथ को ऐसे नहीं रखना, ऐसे थक जाएगा, ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यूँ रखना नीचे, क्योंकि आप यूँ उठा के रखेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। इसीलिए राइट को हम करेंगे बंद, दाई को हम करेंगे बंद, और बाएं से श्वास पहले बाहर छोड़ देंगे जितना भी अंदर भरा हुआ था। इसी से हमें भरना है। और इधर से बंद करके यहां से बाहर, जहां से बाहर निकाला वहीं से भरें। और फिर यहां से बंद करके दूसरे से बाहर, देखो। एक फिर से बता दूं कितना सरल है। यहां से श्वास भरा और यहां से श्वास को बाहर छोड़ा, फिर यहीं से भरा और दूसरी ओर से बाहर छोड़ा, यहां से भरा, यहां से बाहर छोड़ा, यहां से भरा और यहां से बाहर छोड़ा, बिना रुके। न बाहर श्वास रोकनी है, न अंदर श्वास रोकनी है, इस बात को ध्यान रखना है। अनुलोम विलोम वेरी इजी प्रैक्टिस है, वेरी इजी, बच्चे के लिए भी, बूढ़े के लिए भी, बुजुर्ग के लिए, बीमार के लिए, स्वस्थ के लिए, सबके लिए बिल्कुल आसान अभ्यास है, बिल्कुल सरल अभ्यास।
देखो एक बार फिर से इसको करके दिखाते हैं, सुनाते भी हैं श्वास की ध्वनि। करिए, जो लोग मेरे साथ लाइव हैं वो करते रहिए लगातार। इसके लिए पेट भरे पेट खाली का कोई रोल नहीं है। आपने अभी नाश्ता किया, अभी खाना किया, इसके 5-10 मिनट बाद भी कर सकते हैं। ये आसान प्रैक्टिस है, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। बस दुर्गंधित स्थान नहीं होना चाहिए, बदबूदार जगह नहीं होनी चाहिए। इस बात इन बातों का ध्यान रखना है, साफ सुथरी जगह पर बैठे, ताजी हवा आती रहती हो, ताजा हवा, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर आने जाने लगा रहता हो, है ना, इस तरह से करना है। इस तरह से बाएं से शुरू किया, बाएं पर यानी लेफ्ट पर ही खत्म करेंगे। ये आज हमने दो प्राणायाम आपको हार्ट की और लंग्स की मजबूती के लिए बताए। जिन भी जवानों को, जिन बच्चों को और जिन बड़ों बुजुर्गों बीमारों को, जिनको भी अपने हार्ट को, अपने लंग्स को मजबूत बनाना है, जिनका हार्ट कम परसेंट वर्क कर रहा है, 30% कर रहा है, 40% कर रहा है, 45% कर रहा है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बाईपास करा के आए हैं, आप स्टेंट डलवा के आए हैं, या आप कोई सर्जरी करवा के आए, तब भी सर्जरी के, हार्ट की सर्जरी के 3 से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद ही धीरे धीरे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शुरू करनी चाहिए। और जिनको अभ्यास करते हुए समय नहीं हुआ, मतलब जो लोग ठीक विधि से नहीं कर रहे हैं, वो आज के इस कार्यक्रम में जान लेवें ठीक विधि क्या होती है। बीपी वालों को कुंभक नहीं लग, कुंभक का मतलब रोकना नहीं चाहिए श्वास को। कल हम रोकने वाले श्वास के प्राणायाम बताएंगे कि कुंभकों वाले प्राणायाम कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से हर व्यक्ति को करने चाहिए। जो बीपी का पेशेंट है उनको छोड़ करके बाकी सबको कुंभकों वाले प्राणायामों को करना चाहिए, अगर आपको हर तरह की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है या स्टेमिना को डेवलप, स्टेमिना को इंक्रीज करना है, हर तरह की स्टेमिना को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए वो हम कल के कार्यक्रम में बताएंगे। आज इन दो प्राणायामों को कितनी कितनी देर किया जाए, पहला जो भस्त्रिका बताया, 2.5 सेकंड तक भरना, 2.5 सेकंड तक बाहर छोड़ना, इसको 5 मिनट हम कर सकते हैं। शुरुआत 3 मिनट से करें, 2 मिनट, 3 मिनट से, फिर 5 मिनट की प्रैक्टिस आप 3 दिनों बाद, इसको रोज 5 मिनट करें, कम से कम 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट तक। तो इसको करें पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास अनुलोम विलोम प्रैक्टिस 5 मिनट से शुरुआत करें। इनको इसको गिने नहीं कि हमने इतने श्वास इधर से भर लिए, इतने इधर से, नहीं, आपको गिनना नहीं है, आपको समय देखना है। 5 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, कम से कम 5 मिनट, अधिकतम आप आधा घंटा पौन घंटा जितना करना चाहे 1 घंटे तक कर सकते हैं, इससे फायदा ही होगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो लोग आज अगर 15 मिनट का आपने शुरू कर दिया तो कल भी फिर 15 मिनट ही करना, परसों भी 15 मिनट करना, ये कंटिन्यू फिर एक ही मात्रा लगाना, बना के रखना कंसिस्टेंटली, तो आपको फायदा बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आपने इसकी मात्रा को बराबर बनाए रखा और आगे आने वाले समय में इसकी मात्रा को बढ़ाया भी, तो कम से कम आप 15-20 मिनट तो करें, क्योंकि 20 मिनट के अनुलोम विलोम पर वैज्ञानिकों ने शोध किए हुए हैं कि 20 मिनट का अनुलोम विलोम कितने सारे फायदे देता है। तो इसीलिए इस अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस को आप
हल्का फुल्का ना समझे, बहुत महत्वपूर्ण है, तो सब लोग कर सकते हैं। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, उन लोगों को कुंभकों वाले जो हम कल प्राणायाम बताएंगे उनको वो करने चाहिए। बाकी के सभी लोग इन दो प्राणायाम को आज से प्रारंभ करने में सुबह 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं। ताज़ा हवा आती हो आपके कमरे में, छत पर कर सकते हैं, गर्मी का टाइम है। सुबह 4 बजे से, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक के समय में करें। उत्तम समय 3 से 5 और मध्यम समय 5 से 8 और थोड़ा और कम अच्छा समय कहा जाएगा 8 से 10। फिर तो वाहनों के धुएं आने लग जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो इसीलिए जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। शाम को भी 5 से 7 के, 4 से 7 के बीच में आप कर सकते हैं। ताज़ा हवा आती हो, ग्रामीण इलाके में हैं आप, जंगली जंगल प्रदेश में हैं, या फिर ऐसे प्रदेश में जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वाहन, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं है, उस प्रदेश वालों को तो ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए आप सब लोग इन प्राणायामों को करके अपने आप को उत्तम बनाएं। शरीर अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, मन अच्छा होगा, आत्मा अच्छी होगी, तो जीवन स्वर्ग होगा। आज के सत्र में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। कल हम फिर से आपको प्राणायाम के पास ले चलेंगे। प्राणायाम कौन कौन से जवानों को करने चाहिए जानेंगे। आज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाईसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर।